हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं एक्सेल की कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की, जिसका यूज करके आप एक्सेल में काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आप माउस का यूज करते हैं तो मान लेते हैं कि जो भी आपने काम किया उस काम को पूरा करने में 30 मिनट का टाइम लगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आप उसी काम को आप 4 से 5 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी शॉर्टकट की के बारे में बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम काउंटिंग से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखा है सीरियल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर चाहिए कीबोर्ड से, यानी शॉर्टकट की से। तो हम सीरियल नंबर कैसे लाएंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको 1 टाइप करना है, और जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए फ्रेंड्स वहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt-E-I-S। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद अगर आपको डेट चाहिए फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ लिखा मैंने डेट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेट टाइप कर दिया फ्रेंड्स, जैसे दे दिया मैंने 1/3/20। और जहाँ तक वो चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt-E-I-S। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा डेट आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे Sheet 1 से Sheet 2 पर जाना है फ्रेंड्स। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम Sheet 1 पे कर रहे हैं, तो Sheet 1 से Sheet 2 पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl Page Down। ये देखिए, अगर Sheet 1 पे जाना है तो Ctrl Page Up, और दोबारा Sheet 2 पे जाना हो तो Ctrl Page Down। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो हमें डाटा को सेट करना पड़ता है, तो सेलेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ कि डाटा को सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे हेडिंग सेलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड से करना क्या है फ्रेंड्स, शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं शिफ्ट के साथ यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे पूरा हेडिंग सेलेक्ट करना है एक बार में, तो यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करके आपको शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस करना है, और कीबोर्ड से प्रेस करना आपको राइट एरो। ये देखिए, तो इस तरीके से आप पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ पे नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया फ्रेंड्स। ये देखिए, तो यहाँ पे एक एक सिलेक्ट हो रहा है। ये देखिए, डाउन एरो से नीचे जा रहा हूँ और अप एरो से ऊपर। मैं चाहता हूँ ये मुझे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपने नाम टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबाना है, और आपको फिर डाउन एरो प्रेस करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे पूरे डाटा को सेट करना है एक बार में, तो सिंपल सा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप डाटा को सेट कर सकते हैं। और देखिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे बॉर्डर लगाना है फ्रेंड्स, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करना पड़ता है। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H+B+A। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया फ्रेंड्स। और देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग सेट कर लिया फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे कॉलम की विड्थ वरी करनी है सभी कॉलम की, तो कीबोर्ड से प्रेस करना आपको Alt+H+O+W। ये देखिए, उसके बाद जितनी भी विड्थ वरी करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 12, और जैसे ही इंटर करूँगा ये देखिए फ्रेंड्स, सभी कॉलम की विड्थ बड़ी हो गई। और अगर आपको हाइट बड़ा करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल लेकर के सभी को सेट कर लिया, और हाइट बड़ी करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H+O+H। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रो हाइट, जैसे मैंने यहाँ दे दिया 25, और जैसे ही इंटर करूँगा फ्रेंड्स, तो ये देखिए सभी कॉलम की हाइट बड़ी हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी कंटेंट्स को मुझे सेंटर में करना है, तो सभी को सेट करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H+A+C। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेंटर में आ गया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में है फ्रेंड्स। अगर आपको वर्टिकल में सेंटर करना है तो कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H+A+M। तो ये देखिए, वर्टिकल में सेंटर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे हेडिंग को हाईलाइट करना है, यहाँ पे मैंने हेडिंग को सेट कर लिया, और कीबोर्ड से प्रेस करना आपको Alt+H+H। ये देखिए, और इसके बाद जो भी आपको कलर लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे सभी को बोल्ड करना है, तो यहाँ मैंने सभी को सेट कर लिया और कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+B। ये देखिए, और अगर आपको साइज बड़ा करना है फ्रेंड्स, तो कीबोर्ड से प्रेस करना आपको Alt+H+F+S। और देखिए, जो भी आपको साइज लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है फ्रेंड्स, तो कीबोर्ड से प्रेस करना है
अल्ट एच एफ सी। उसके बाद जो भी कलर चूज करना है फ्रेंड्स आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं, ये देखिए। और देखिए मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे मुझे हिंदी और इंग्लिश के बीच में मुझे कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे कॉलम तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जब भी हम कॉलम लेके आते हैं तो वह हमेशा लेफ्ट में आता है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस, तो ये कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और कॉलम इंसर्ट कराने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कॉलम आ गया। और फिर यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है फ्रेंड्स तो करना क्या है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको कंट्रोल माइनस, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा कॉलम डिलीट हो गया। और देखिए फ्रेंड्स अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पर दीपक और सूरज के बीच में मुझे एक रो चाहिए, तो रो हमेशा टॉप में आता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको फिर सूरज पे क्लिक करना पड़ेगा और कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट स्पेस, तो यहाँ पे आपका रो सिलेक्ट हो जाएगा। और रो लाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा रो आ गया। फिर यहाँ पे जो भी आपको नाम टाइप करना है आप कर सकते हैं। और देखिए एक रो लाने के बाद अगर आपको और भी रो चाहिए फ्रेंड्स तो उसके लिए भी आपको शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस प्रेस करना है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा रो आ गया। अगर आपको किसी भी रो को लाने के बाद अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल माइनस, ये देखिए तो इस तरीके से हमारा रो डिलीट हो गया। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मार्कशीट बना रखा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे हेडिंग के जस्ट ऊपर में यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखना है मार्कशीट, तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास रो तो है नहीं, स्पेस तो नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीन रो लेके आ गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे बॉक्सेस है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सभी को सेट करके और यहाँ पे मुझे इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एच एम सी, ये देखिए फ्रेंड्स तो इस तरीके से हमारे सारे सेल्स मर्ज हो गए। अब यहाँ पे जो भी नाम लिखना है हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा मैंने मार्क सीट और यहाँ पे इंटर कर दिया फ्रेंड्स। और देखिए मुझे इसका साइज बड़ा करना है फ्रेंड्स, तो कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एच एफ एस, ये देखिए, उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करना है, तो जितना भी बड़ा करना है फ्रेंड्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसको सेंटर में करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी सेंटर में है लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल में है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे वर्टिकल में सेंटर करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एच ए एम, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा वर्टिकल में सेंटर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डाटा को डिलीट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सबको सेट कर लिया, और अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे सभी को डिलीट करना है इन सभी को, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एच ई ए, तो ये देखिए फ्रेंड्स सारा डाटा आपका डिलीट हो गया। इसी डाटा को वापस लाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जेड, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारा डाटा वापस आ गया। और देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिर्फ कलर डिलीट करना है फ्रेंड्स, कलर और बॉर्डर यानी कि फॉर्मेट डिलीट करना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एच ई एफ ए, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा सारा फॉर्मेट डिलीट हो गया। अब वापस लाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको कंट्रोल जेड। और मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखा हुआ डिलीट करना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एच ई सी, तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास सारे कंटेंट्स डिलीट हो गए, सिर्फ फॉर्मेट हमारे पास बचा हुआ है। अगर आपको सभी को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, सिर्फ कलर डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं, या फिर जो लिखा हुआ है वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल जेड, ये हमारा डाटा वापस आ गया। और देखिए अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शीट को जूम किया हुआ है, मुझे इसे जूमिंग कम करना है, तो कीबोर्ड से प्रेस करना आपको अल्ट डब्ल्यू क्यू और सी, और यहाँ पे आपको परसेंटेज टाइप करना है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ दे दिया मैंने 200, ये देखिए इस तरीके से हमारा जूमिंग कम हो गया। अगर आपको दोबारा जूम करना है तो कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है फ्रेंड्स, अल्ट डब्ल्यू क्यू और सी, और जितना भी आपको परसेंट रखना है, जैसे यहाँ दे दिया मैंने 180, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जूमिंग कम हो गया। और देखिए फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इन सभी का यहाँ पर टोटल करना है कीबोर्ड से, तो यहाँ लिखा मैंने टोटल, ये देखिए, और उसके बाद सभी को सेट करके कीबोर्ड से यहाँ बॉर्डर लगा देता हूँ फ्रेंड्स अल्ट एच बी ए, तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया। और सभी को टोटल करने के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे इन सभी का यहाँ पे टोटल आ जाए, तो कीबोर्ड से प्रेस करना आपको अल्ट इक्वल, ये देखिए फ्रेंड्स
और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे टोटल हो गया। और एक का टोटल करने के बाद अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे सभी का टोटल चाहिए तो यहाँ पे करना क्या फ्रेंड्स, शिफ्ट के साथ है डाउन एरो प्रेस करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी। ये देखिए फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इनका साइज और कलर मैंने चेंज किया हुआ है और सेंटर भी किया हुआ है, तो जो मैंने यहाँ पे काम किया है यही काम मुझे इस पे भी अप्लाई करना है। तो करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करके आपको कंट्रोल सी कॉपी करना है और उसके बाद जहाँ भी आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट ई एस और यहाँ पे आपको लेना है फॉर्मेट। ये देखिए फ्रेंड्स, और जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा कलर और साइज भी कॉपी हो गया। और देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से इसे रीड कर दिया फ्रेंड्स अल्ट एच ई ए। और देखिए मैं चाहता हूँ ये जो डाटा है हमारे पास इसको यहाँ से हटा करके मुझे यहाँ पे लेके आना है फ्रेंड्स, तो करना क्या है आपको सभी को सेट करना है, तो यहाँ पे मैंने सभी को सेट कर लिया और कीबोर्ड से प्रेस करना आपको कंट्रोल एक्स यानी कि कट है और जहाँ भी चाहिए वहाँ जा करके कंट्रोल वी प्रेस करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये डाटा हमारा यहाँ पे आ गया। और मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ये जो डाटा है हमारा यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो उसके लिए करना क्या है आपको सभी को सेट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी और जहाँ भी चाहिए वहाँ जा करके कंट्रोल वी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी है और यहाँ भी है। और देखिए अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे किसी भी नाम को फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइंड का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे जो भी आपको फाइंड करना है यहाँ पे आपको टाइप करना है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पे टाइप करना है दीपक कहाँ पे लिखा है, तो दीपक टाइप करके आपको यहाँ पे इंटर करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे दीपक हमारा सिलेक्ट हो गया, और भी कहाँ पे दीपक है तो दोबारा आपको इंटर करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये डाटा ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नाम को फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी दीपक लिखा हुआ है उसकी जगह पर मुझे मुकेश करना है फ्रेंड्स, यानी कि नाम को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच। तो ये देखिए यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ गया और सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास फाइंड व्हाट, पहले आपको नाम को फाइंड करना है फ्रेंड्स जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने दीपक, उसके बाद देखिए एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है टैब बटन और यहाँ लिखा मैंने मुझे दीपक की जगह क्या चाहिए मुकेश, तो यहाँ टाइप कर दिया मुकेश। और रिप्लेस करने के लिए आपको टैब बटन दबा करके रिप्लेस ऑल पे जाना है और यहाँ पे इंटर करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा नाम रिप्लेस हो गया। और देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे पास दो सीट है, सीट वन और सीट टू, मुझे यहाँ पे एक और सीट चाहिए कीबोर्ड से, तो नई सीट लाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट 11। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एक नया सीट आ गया। और देखिए फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको शॉर्टकट की बताया हुआ है उन सब का नोट्स मैंने यहाँ पे बना रखा है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की फॉर एक्सेल और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नाम के साथ साथ यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की भी साथ में दिया हुआ है, आप इसे अपने कॉपी में नोट करके एक्सेल की एक शॉर्टकट की बना सकते हैं और इसे याद करके आप कीबोर्ड से एक्सेल में आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप कोई भी शॉर्टकट की याद करके आसानी से आप एक्सेल में काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूले ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।